तो इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह बीजेपी से निकाले गए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। काराकाट लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार है पवन सिंह। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ये बड़ा एक्शन लिया है, पार्टी गतिविधियों से हटकर काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना और पार्टी की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को टिकट दिया था। पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने का इनकार कर दिया था, जिसके बाद पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पवन सिंह पर यह बड़ा एक्शन लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से फोन लाइन पर मौजूद हैं राजीव कमल। राजीव कमल, अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये तो होना ही था दिव्या, क्योंकि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पहले ही ऐलान कर दिया था। और उसको लेकर पहले जब उनकी सीटें, जब लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ था, सीटों का जब एक तरीके से घोषणा हो रही थी बीजेपी की तरफ से, तो उनको सीट दिया गया था। लेकिन सीट जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे पवन सिंह, भले उनको जिस सीट मिली थी, तो ये खबर जो वीडियो उनका देखा गया था, बड़ा खुश थे। लेकिन वो वीडियो उन्होंने एक तरीके से उस सीट पहले विड्रॉ कर दी, उसके बाद वो एक तरीके से नाराज लगे। तो कहीं ना कहीं खबर ये आने लगी कि वो चाहते हैं कि आरा से सीट मिल जाए, या किसी आरा उनका गृह क्षेत्र है, तो उनको चाहते थे कि वो आरा से सीट मिले, लेकिन वो मिलना है, क्योंकि आर के सिंह पहले से उनके मौजूदा सांसद है, तो ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पवन सिंह पहले ही से नाराज थे, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब उसके बाद बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि काराकाट उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी पार्टी सहयोगी पार्टी है और वो लड़ रहे हैं। तो बीजेपी अगर इस तरीके की मैसेज अगर गलत जा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी लड़वा रही है पवन सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुंचाना चाहती, तो इसको लेकर कई बार इस तरीके की बातें चल रही थी। अब पार्टी ने एक तरीके से उनको साफ तौर पर पार्टी ने निष्कासित कर दिया है और उनको एक तरीके से रास्ता दिखा दिया गया। और बकायदा उस लेटर में ये लिखा गया है कि आपको गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, आप गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के चलते पार्टी विरोधी गतिविधियों में है, इसीलिए आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। उसमें सम्राट चौधरी का देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनका बकायदा उसमें भी है, मेंशन है, और उन्होंने पार्टी से तरीके से और उनको निकाल दिया गया है, ये अब ऐलान हो गया है। जी राजीव, आखिर में पवन सिंह ने, खबरें ये भी आ रही थी कि पवन सिंह ने जो चुनाव लड़ने का मन बनाया था वो आरा से बनाया था, और उन्होंने ये बातें बीजेपी के सामने भी रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आसनसोल से उतार दिया गया। राजीव, देखिए एक बात बता लें कि देखिए होता क्या है कि पार्टी संगठन जो बीजेपी पार्टी है वो संगठन से चलती है, और उनको जहां, क्योंकि जिस तरीके से उनको लगा कि उनको टिकट देना चाहिए आसनसोल से, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा को समय गहला ममता जी ने टिकट दिया था, तो कहीं ना कहीं को लगा कि वहां चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को सुटेबल था कि आसनसोल से दी, लेकिन उन्होंने आसनसोल से टिकट विड्रॉ कर दिया। और विड्रॉ करने के बाद वो पहले जितने भी बीजेपी आला कमान थे उनसे बातचीत करने के बाद बड़ी कोशिश उन्होंने कई बार की कि उनको आरा से टिकट, या तो अगल बगल से टिकट, काराकाट से टिकट, या टिकट मिल जाए। लेकिन देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं तो उसकी पाबंदियां होती है, तो पाबंदियां बीजेपी के पास भी था कि आपको हम काराकाट नहीं दे सकते हैं आरा में, क्योंकि आर के सिंह बहुत बेहतर सांसद भी है, काम भी कर रहे हैं, तो उनको हटाना तो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी कहा जाता है कि बहुत करीबी है। तो ये कहीं ना कहीं पवन सिंह की बार बार आरा से जो प्यार और उनका गृह क्षेत्र है, तो वो लेकर वो बार बार कर रहे थे। लेकिन उनको जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके बाद उनके पास अब बीजेपी के पास ऑप्शन बच नहीं जाता था उनको पार्टी से निकालने का। और कई बार उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया कि पार्टी उन पर एक्शन लेगी, क्योंकि पार्टी का ये कार्य क्षेत्र है। तो आप जाकर बीजेपी ने साफ तौर पर पवन सिंह को निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है, और ये कहा है कि पार्टी की गतिविधियों और आप छवि को धूमिल कर रहे हैं, इसीलिए आपको पार्टी से निकाला जा रहा है। जी राजीव, देखना होगा कि इस पर पवन सिंह का क्या रिएक्शन होगा। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दूं कि अब पवन सिंह पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है, और बीजेपी ने उन्हें अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की गतिविधियों से हटकर बीजेपी ने काम करने का आरोप लगाया है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पार्टी की छवि खराब करने का भी आरोप लगा है। बीजेपी ने इससे पहले आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को टिकट दिया था। पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने का
वो इनकार कर दिया। उन्होंने आला कमान के सामने ये बातें रखी कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो है पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा से निर्दलीय अब चुनाव लड़ रहे हैं।